सब यहाँ पर हैं। आप लोग यहाँ हमें देखने सुनने के लिए पहुंचे, आपने अपना समय खर्च किया। दुनिया का सबसे कीमती समय जो आप यहाँ दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद समय समय पे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए समय की पाबंदी है थोड़ी सी। मुझे 3 बजे हर रात में यहाँ से छोड़ना है क्योंकि मुझे रांची पहुंचना है। प्रोग्राम 11 बजे का तय हुआ था, 11 से 12 हो गए, 12 से 1 बज गए, 1 से 1:45 के तब जाके हम लोग वहां से निकले। अगर आप लोगों ने पहले तैयार कर लिया तो शायद 1-2 घंटे आपसे बात करने के लिए मिल जाती। तो मैनेजमेंट में तो हम लोग बहुत पीछे हैं, आशा उम्मीद है कि भविष्य में इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा, इसलिए मैं आप ही के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। सामाजिक कुछ सुनना चाहते हैं, राजनीतिक विषय पर कुछ सुनना चाहते हैं, धार्मिक विषय में कुछ सुनना, जो आपको अच्छा लगे, जिसको सुनने का जानने का आपको मन हो मेरा मत। क्योंकि 5-10 मिनट में मैं ना तो आपको कुछ बहुत समझा पाऊंगा ना ही आपको तैयार हो पाएंगे। हाँ, मेरे मन में दृढ़ संकल्प जरूर है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो काफी बड़े हद तक तो तैयार है, तभी वो यहाँ आए। कोई एक विषय चयन कर लीजिए जिसमें आप मुझे सुनना चाहते हैं। सामाजिक बहुत अच्छी बात। तो तीसरा आप क्या कह रहे हैं? ठीक, चलो ठीक है, धन्यवाद। तो तीनों विषय में ही थोड़ी थोड़ी देर में मैं अपना अपनी बात रख देता हूँ। यही अच्छा कि आपके मन में जो है वो जानने को मिले। मैं इतना बड़ा भाषण तो उसका आपसे कोई कंटेंट उस कंटेंट से आपका कोई ताल्लुक ही ना हो तो कोई फायदा नहीं। वैसे ये सब 11 बजे आते तो साथ ठीक रहता। धन्यवाद। 3 अच्छे सवाल है मेरे सामने, मैं तीनों पे अपनी बात रखूंगा। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कुछ चर्चा के लिए। मेरे सामने जो क्लास बैठी है वो पढ़ी लिखी क्लास है, बुद्धिजीवी लोग हैं। जो इधर बैठे हुए हैं वो भी पीछे वो नौजवान हैं जिनके मन में दिलों में कुछ करने की चाह था। मेरा एक मानना, अनुभव और जोश जब इकट्ठा होता है तो क्रांति होती है। आज तक का इतिहास कि सच्ची तमन्ना से किए गए काम कभी अधूरे नहीं रहे। किसी भी काम को करने के लिए सच्ची तमन्ना की जरूरत होती है। जैसे पहला सवाल यह है कि आज का जो परिवेश है वो बड़ा खतरनाक, इसमें हम लोग कैसे आगे बढ़े। तो ये भी जानना जरूरी है कि इस परिवेश के जिम्मेदार कौन है। किसी भी तथ्य के पहलू के सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक उसका प्लस एक उसका माइनस। मैं दोनों को दोनों तरफ से देखता हूं, एक को एक तरफ से दूसरे को दूसरी तरफ से। पहला प्लस ये जो हमारे खिलाफ है कि भाई हालात खराब है, आरक्षण पे खतरा है, संविधान पे खतरा है, राजनीतिक धार्मिक सामाजिक गैर बराबरी बढ़ गई है, अन्याय अत्याचार एट्रोसिटी बढ़ रही है, जो सरकारी नौकरियां हैं तमाम तरह के सरकार सिस्टम को बेच बेच के खत्म किया जा रहा है। और ये नौजवानों से लेके तमाम सब लोगों के मन में सवाल है बड़ा, ये माता बहनों पर एट्रोसिटी घटनाएं बढ़ रही है। बुरा ये है कि अगर किसी प्रदेश और देश में हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, सरकार क्या करेगी। तो मुझे कहने में, क्योंकि मुझे सच कहने में कोई परहेज नहीं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि यहाँ के मुख्यमंत्री सो रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जाग रहे होते, और माननीय अध्यक्ष जी भी कह रहे थे अपने स्पीच में कि वो बहुजन समाज से हैं, तो जात से भी बहुजन समाज से नहीं होता। ऐसे तो इसलिए 31 कैंप भी बैठे हैं सदन में, लेकिन क्या उनकी हैसियत है कि वो सच को सच कह देंगे। वो तो हाथर जैसे मामले में भी अपनी बेटी के पक्ष में नहीं बोल सकते। जो समाज नेता अपने स्वार्थ में इतना दबा जाता है उसके समाज का क्या होगा, ये बड़े सोचने का विषय। और हम सोचने के लिए यहां
तो जैसे आपको इस बात का डर है कि भविष्य क्या होगा, आपको इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों में चिंता चिंतन का माहौल बन रहा है। ये चिंतन का माहौल हमें एकजुट करेगा और जब हम लोग एकजुट होंगे, जैसे अभी मैं जैवलिन दूंगा तो 30% लोग जैवलिन बोलेंगे, 70% लोग चुप रहेंगे, 70% बोलेंगे, 30% चुप रहेंगे। लेकिन कहते ना परिवर्तन प्रकृति का नियम, विरोधियों ने ऐसे हालात बना दिए कि हम सब लोग बोलेंगे। आज जो हालात बने हैं कि हत्या होने में भी अपराध दर्ज नहीं हो रही है, रेप होने में भी अपराध दर्ज नहीं हो रही, जमीन छीनने में सामूहिक एट्रोसिटी भी अपराध दर्ज नहीं हो, दर्ज हो जाती है जिसमें किसी सरकार का रोल नहीं है, रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का भी, राइट है, तो उसपे कार्रवाई नहीं होती। तो मैं समझता हूं इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे भी बुरे बुरे समय देख के हम लोग आए हैं। याद कीजिए कि भारतीय संविधान के लागू होने से पहले हम पे ये भी अधिकार नहीं थे। आज तो हम पे साधन संसाधन और भारतीय संविधान के कारण बहुत तरह के अधिकार हैं। लाइट तो बहुजनों की जिंदगी से भी चली गई, ये लाइट तो आज आ रही, असली लाइट तो हमारी जिंदगी से चली गई, इसकी बैटरी गई, ऐसे ही हमारे तथागत नेताओं की बैटरी खत्म होगी। अब वो उसको चार्ज कर रहे हैं विरोधियों के जरिए, तो बताए जिस बैटरी को विरोधी चार्ज करेंगे वो आपके काम कहां आएगी, बताए। हमारे नेताओं ने, मैं उनको दोष क्यों दूं, देखो चरित्र आदमी को बलवान बनाता, उसका कार्य उसको ताकतवर बनाता, उसका कार्य उसको तय करता है कि आगे बढ़ेगा पीछे हटेगा। मैं प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, मुझे कहने में कोई क्रेज नहीं कि अगर आरक्षण व्यवस्था ना होती तो मेरे पिताजी अध्यापक ना बनते, और अगर वो अध्यापक ना बनते तो शायद मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता, साधन नहीं मिलते, और मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता, मैं वकील नहीं बनता तो शायद भारतीय कानून व्यवस्था को नहीं समझ पाता, भारतीय राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को नहीं समझ पाता, और अगर नहीं समझ पाता तो शायद इसमें आज लड़ता रहा। सोचिए अगर मैं ना समझा होता तो फिर मैं अधिकार के लड़ाई में जीत क्यों जाता, मैं भी आपकी तरह घर में रह लेता। भाई अन्याय को देखकर चुप्पी थाम लेना भी तो कला है, अच्छी बात ये पूरी कला ये है कि हमसे आती नहीं, जितने हम में कला आ जाएगी उतने हम नेता हो जाएंगे, जितने नेता हो जाएंगे फिर आप हमें भला नहीं कर सकते, फिर तो अपने भले के बारे में सोचा कोई तो उसको ठीक करा, तो कमाल हो गया, कितनी बार चुप हो जाऊंगा एक बार बताओ। हेलो हेलो,
बैठने का अधिकार दिया। पहले बाबा साहब लेके गए थे, आज झारखंड वासियों ने दिया, झारखंड वासियों का दिल से धन्यवाद। देखिए मैं वहां से इसलिए नहीं आया कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, वहां फोन से दिक्कत हो रही है, मुझे साउंड की दिक्कत हो रही है, इस वजह से मैं यहाँ चला। तो दूसरी बात जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे, राजनीतिक रूप से आगे कैसे बढ़े। देखिए मैं आपको पुराने पीछे की तरफ लेके चलता हूं, एक स्टेटमेंट में बाबा साहब अम्बेडकर का कोट कर रहा हूं, यहां से इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि एक एक चीज आपकी समझ में आए। जिस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू हुआ, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लाइन कोट की, अगर कुछ लोगों ने पढ़ी तो शायद याद आए, उन्होंने अपने साथियों के साथ एक कोट की और उन्होंने कहा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं, आज हम नौजवान गौर रहे हैं, आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं, एक आदमी एक वोट, एक वोट एक वैल्यू, इससे हम राजनीति में तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ब्राह्मणवाद की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो हजारों साल से चलती आ रही है उसमें बराबर नहीं होगी, इसलिए हमारी राजनीति कामयाब नहीं होगी। अतः हम सब लोगों को मिलकर इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को जितना जल्दी हो सके उसका हल करना चाहिए। आपने मेरी बात सुनी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वन वोट वन वैल्यू, इससे हम राजनीति में तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी, जो ब्राह्मणवाद का सोशल ऑर्डर आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो गैर बराबरी, जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक हम लोग हमारी राजनीति भी कामयाब नहीं हो सकती। वो कैसी सोशल ऑर्डर है जिसमें जातिवाद है, जिसमें अन्याय अत्याचार जुड़ जाती है। आप गौर कीजिए राजनीति कैसे कामयाब हो जाएगी, जब भारतीय चुनाव आयोग की सीमा तय कर रहा है कि 33 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं विधानसभा के चुनाव। आप अपने मन में सोचे क्या गरीब का बेटा चुनाव लड़ सकता है? जितने नौजवान यहां बैठे अपने मन में सवाल खड़ा करें, अगर 33 लाख रुपए खर्चा चुनाव आयोग सरकारी तय कर रहा है कि खर्च कर सकते हैं, तो यानी कि इतना लगभग खर्च होता होगा। अगर इतने पैसे बहुजन समाज के, जो बड़ा समाज है 85% बहुजन, उनके कितने लोगों पे? तो इसलिए हमारे रैवर, हमारे नायक माननीय साहब श्री काशीराम कहते थे कि भाई ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, लोकतंत्र तो ये कहता वन वोट वन वैल्यू, यानी कि गरीब का बेटा भी वो विधायक एमपी बन सकता है। समाज को तैयार कर इसके लिए संगठन की जरूरत। अगर आज के इस रैली को हम देखते हैं तो हम सामाजिक रूप से टूटे हुए हैं, हम सामाजिक रूप से जुड़े हुए नहीं, एक नहीं। इसके लिए कहा गया कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़े मजबूत नहीं होती उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं। अगर हमें अपनी राजनीति कामयाब करनी है तो हमें अपने गैर राजनीतिक जड़े मजबूत करनी है, यानी कि अपने सामाजिक संगठन को मजबूत करना। जिस दिन हम लोग सामाजिक संगठन को मजबूत कर लेंगे, एक हो जाएंगे, तो मैं लिख के देता हूं कि जिस दिन वोटों वाला समाज एकजुट हो जाएगा, उस दिन नोट वाला हार जाएगा और वोटों वाला